मुझे अभी मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होके आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बार फिर मौसम हसीन बन गया है। जब एक इंसान में इंसानियत दिख गई है, जब सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की तरफ से अपनी नज़र को फेर लिया, तब उस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कुछ समाज सेवी सड़कों पर उतर आए हैं। लॉकडाउन की मार सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूर झेल रहे हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हैं। इन मजदूरों को सरकार उनके गृह राज्य तक पहुँचाने में असमर्थ हो रही थी, तो मजदूरों ने खुद तय किया अपने घर जाने का। मीलों चलते हुए मजदूर खुद ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जहां मजदूर भूखे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है और सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। तब जाकर इंसानियत की एक नई सुबह हुई। इस सुबह की तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पर कुछ लोग इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। सड़क से गुजरने वाले भूखे प्यासे मजबूर मजदूरों के लिए इंदौरियों ने मदद का दरबार ही खोल दिया है। इस दरबार में बिस्किट, पानी, सैनिटाइजर, खाने पीने की सभी चीजें हैं और उन मजदूरों के लिए चप्पल भी है, जो तपती धूप में नंगे पैर चल रहे हैं। कहते हैं भूख सारी मर्यादा तोड़ देती है और पैसा सारा इंसानियत, लेकिन इन सब से परे इंदौर वासी तपती धूप में खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.